दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएस के पेपर जनरल का पेपर जो 22 अगस्त 2020 को उसके फर्स्ट पार्ट के। सो लेट्स जस्ट बिगिन। शंदूर पास कनेक्ट चित्राल विद गिलगित। गिलगित के गिजर डिस्ट्रिक्ट के साथ चित्राल को कनेक्ट करते हैं शंदूर पास। कराक्रम हाईवे कब कंप्लीट हुई थी? 1978 में। एक्चुअली 1979 में कंप्लीट हुई थी लेकिन ऑप्शंस में 1979 नहीं था तो इसलिए 1978। टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद कहाँ पर है? कोट मिठन में। पाकपत्तन में बाबा फरीद का मज़ार है और कोट मिठन में ख्वाजा फरीद का मज़ार है। इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए। नागा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालया। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के कराक्रम की सबसे ऊंची चोटी केटू है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नागा पर्वत है। रिवर काबुल जॉइंस इंडस रिवर नियर अटक। अटक के करीब काबुल जो है वो दरिया सिंध के साथ मिक्स हो जाता है, इसके अंदर गिर जाता है। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज प्राइम मिनिस्टर। वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार अब्दुरब नश्तर। सबसे पहले सर फ्रांसिस मोदी थे, सेकेंड जो थे वो सरदार अब्दुरब नश्तर थे जो पाकिस्तान के जो पंजाब के फर्स्ट गवर्नर थे, मुस्लिम गवर्नर थे वो अब्दुरब नश्तर थे। मुश्ताक उरमानी 1 यूनिट से पहले जब तक पंजाब एक सूबे की सूरत में मौजूद था उस वक्त लास्ट गवर्नर थे। फिरोज खान उन प्राइम मिनिस्टर थे और इसके साथ साथ सीएम पंजाब भी रहे थे। इफ्तिखार हसन ममदोत सीएम पंजाब थे, फर्स्ट सीएम पंजाब। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 7 मार्च को प्रेजेंट की गई थी और 12 मार्च को अडॉप्ट की गई थी या एक्सेप्ट की गई थी। द ओनली वाइस प्रेजिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज नूरुल अमीन। What is the minimum age of senator under the 1973 constitution? 30 साल से कम उम्र का बंदा सेनेटर नहीं बन सकता। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान 5 साल के लिए लग किया जाता है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व असेंबलीज विद इन 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर ने असेंबलियों को डिसॉल्व करना होता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। और अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसॉल्व ना करे तो 48 घंटे के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस देता है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर असेंबलियां ऑटोमेटिकली खुद ही डिसॉल्व हो जाती हैं प्रेसिडेंट कहे या ना कहे। उससे पहले पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर ने उनको डिसॉल्व करना होता है, ना अगर करे तो 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो खुद ही तहलील हो जाती हैं। द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वाज बेगम, जहां आरा शाहनवाज, तीनों में इन्होंने शिरकत की थी वुमेन सीट पे। ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। एक और भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी जो कि अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी, जो कि 1809 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो भी सिखों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1846 में। डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रिसिपियंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। हब्बा खातून इज द फेमस पोएटेस ऑफ विच लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज की बहुत मशहूर शायरा हैं। रिनाइंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसफी बाय प्रोफेशन वाज अ सिविल सर्वेंट। लोहारी पास कनेक्ट दीर विद चित्राल। लोहारी पास दीर को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। डॉक्टर रूथ फाउ द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कैंपेन्ड अगेंस्ट विच डिजीज, लेप्रोसी। United Nations General Assembly has declared the decade 2021-30 as the decade on ecosystem restoration. Identify the most benefited sector of Pakistan because of GSP plus duty free access जो पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन की मंडियों में दी गई उसकी वजह से टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ है। The title of ambassador of Hindu Muslim unity was given to Qaid Azam by Sarojini Naidu. इनको बुलबुले हिंद और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये शायरा थी और इसके साथ साथ ये उस वक्त 1925 में कांग्रेस की चीफ भी थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Qaid Azam resigned from the membership of Imperial Legislative Council on the account of Rowlatt Act. Qaid Azam ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम दिया था जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था और इस एक्ट के तहत पुलिस वालों को एक्स्ट्रा इख्तियार मिल गए थे किसी को भी गिरफ्तार करने के, उठाने के, उसकी तलाशी लेने के, सारा कुछ जो कुछ भी वो इकदाम गवर्नमेंट के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ कर रहा है। वेल्थ ऑफ नेशंस वॉज रिटन बाय एडम स्मिथ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिवन टू यूएसए बाय फ्रांस। वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू स्पाइन। निक्सन के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने मुख्तलिफ फेडरल एजेंट्स को किसी के घर भेजा वहाँ पर बर्गलरी करने के लिए, कुछ चोरी वगैरह करने के लिए कुछ मुख्तलिफ दस्तावेजात, जिनकी वजह से निक्सन को डर था कि मैं शायद हार जाऊँ
तो ये वाटरगेट स्कैंडल निक्सन का था कि इसने स्पाइंग करवाई, इसने जासूसी करवाई है। आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलेट्स टू हेल्थ। आर्टिकल 13 एनवायरमेंट को रिलेट करता है, आर्टिकल 2 न्यूट्रिशन को रिलेट करता है, आर्टिकल 4 एजुकेशन को। टोटल 7 आर्टिकल्स हैं इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द ट्रीटी ऑफ वर्सेलस सेटल्ड पीस इन यूरोप एंड अमेरिका। बेसिकली यूरोप की जंग थी, अमेरिका बाद में इसमें कूदा था, लेकिन बहरहाल चूंकि जंग हो रही थी तो यूरोप और अमेरिका में इसने पीस सेटल किया था। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वॉज फॉर्म्ड आफ्टर ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। चाइनाज क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस स्टेट पर चाइना का क्लेम है कि कुछ हिस्सा उनका है और इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। पोलिटिकल टर्म शेडो कैबिनेट स्टैंड फॉर ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल ओपोजिशन पार्टी। जिस तरह के मैच के अंदर हॉकी या फुटबॉल के मैच के अंदर एक खिलाड़ी के साथ ओपोजिशन का दूसरा खिलाड़ी साथ होता है, बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट की जितनी कैबिनेट होती है, उनके जितने वजीर होते हैं, उसके साथ ही ऑपोजिशन जो है वो एक नॉन ऑफिशियल कैबिनेट बनाती है, ताकि एक बंदा जो है उसको खास कर दिया जाता है, उसने इंटीरियर मिनिस्टर पे तनकीद करनी है, दूसरा बंदा खास कर दिया जाता है उसने डिफेंस मिनिस्टर पे तनकीद करनी है, तीसरा बंदा खास कर दिया जाता है कि उसने फॉरेन मिनिस्टर पे तनकीद करनी है। तो अपोजिशन जो है वो सरकारी हुकूमत के जितने वज़रा होते हैं उनके अगेंस्ट उतने ही बंदे मुख्तस करती है कि आपने इनके खिलाफ वो सारी कैंपेनिंग करनी है। Deal of the century presented by US President Donald Trump relates to Palestine issue. The longest written constitution of the world is Indian constitution. Word Rex stands for Rex, Latin word hai jiska matlab the king. Ho Chi Minh was the leader of Vietnam. Ye Vietnam ke prime minister the. Continental shelf limit of Pakistan. Pakistan ke jo samundri hudood hain jahan tak Pakistan ki मलकियत है वो 350 नॉटिकल माइल्स हैं। पहले ये कम थी, अब बाद में पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज किया है और यूनाइटेड नेशंस ने इसकी मंजूरी दे दी है। पहले 250 थी, अब 350 नॉटिकल माइल्स हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बाद, अगर इसको भी एक तरह का सूबा कंसिडर किया जाए तो बलूचिस्तान के बाद ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बनता है, जो कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद है। Soviet Union was replaced by Russian Federation on December 1991, 8 December 1991 को जो Soviet Union था वो डिसॉल्व हो गया था और Russian Federation का क्या अमल में आया था। Settlement of border disputes and signing of border agreement with China proved a milestone in the history of Sino-Pak relations. Which of the following diplomats finalized the agreement? Zulfikar Ali Bhutto ने 2 मार्च 1963 को चाइना के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके तहत कुछ इलाका हमने उन्हें दे दिया था और कुछ इलाका उन्होंने हमें दे दिया था और हमारे एक जो डिस्प्यूट था वो क्लियर हो गया था चाइना के साथ। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स ऑन 2005, साइन हुए थे 1997 में और इफेक्टिव हुए थे 2005 में। ये मुख्तलिफ एनवायरमेंटल जो एग्रीमेंट्स हैं वो हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके अखराज को रोकने के लिए हर मुल्क ने कोशिश करनी है, तो इस पर तकरीबन तमाम मुल्कों ने साइन किए हुए हैं। पाकिस्तान ने स्टार्ट अ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द हेल्प ऑफ कैनेडा। The Quran and Sunnah are declared supreme law of Pakistan under the amendment to the Constitution. 9th Amendment के तहत पाकिस्तान का जो आइन है उसको शरिया लॉ डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका था। उसके बाद एक दफ़ा फिर से 1998 में भी इसी तरह की एक अमेंडमेंट पास की गई थी शरिया लॉ को नाफिज करने के लिए, वो भी पास नहीं हो सकी थी। तो दोनों जो बिल थे 9th एंड 15th दोनों में से कोई भी पास नहीं हो सका था। कपास का फूल इज रिटन बाय अहमद नदीम कासमी। होगो शाबेज वाज द लीडर ऑफ वेनेजुएला। बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। इसी को अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। व्लादिमीर लेनिन ने उस वक्त ये रेवोल्यूशन एक तरह की जो इंकलाब है वो बर्पा किया था। जहांगीर खान वन स्क्वाश चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम्स। ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप 10 दफ़ा जीती थी उसने और वर्ल्ड ओपन जो है वो 6 टाइम्स उसने वन की थी। इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल वास वन इन फॉर 4th टाइम। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 2021 में 5th टाइम के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 22।
The Indian current president is Ram Nath Kovind. Current vice president jo hain wo Venkaiya Naidu hain. Who was first Pakistani ambassador to United States? Abdul Hassan Isfahani. Abul Hassan Isfahani ye Pakistan ke pehle ambassador se United States ki taraf aur United Nations ki taraf Pakistan ke permanent representatives jo the wo Patras Bukhari the. Jabir bin Ayan was famous for chemistry. Thanks so much for watching. Next part bhi lazmi dekhiyega.